Thank you.
हमारे प्रभारी मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह जी भी इस मंच पर हमारे बीच होंगे, साथ ही साथ माननीय विधायकगण जगदीशपुर श्री राम विष्णु सिंह जी, माननीय विधायक आरा जनाब अनवर आलम जी जिनका आगमन हो, श्री राम विष्णु सिंह जी का भी आगमन हो चुका है, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ माननीय विधान पार्षद श्री राधा चरण सेठ जी, उनका भी अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में अभिनंदन है। साथ ही साथ निवेदन है कि आप अपनी जगह पर शांतिपूर्वक बैठे रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस मंच पर हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का। मैं अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे पंचायत की मुखिया श्रीमती सुषम लता जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ अब मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथियों को सीडीपीओ के द्वारा पुष्पगुप्त पार्षद श्री राधा चरण सेठ जी का अभिनंदन पुष्पगुप्त से। हमारे आदरणीय मुख्य सचिव कुमार जी से अनुरोध करूंगी का पाए और सभी का आप स्वागत करें। एवं विशेषतः ऐतिहासिक दावा गांव के ग्रामवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माननीय प्रभारी मंत्री भोजपुर जिला सह माननीय मंत्री खनन एवं वित्त भूतत्व विभाग श्री विनोद सिंह, माननीय विधायक जगदीशपुर श्री राम विष्णु सिंह, माननीय विधायक अभियान श्री प्रभुनाथ राम जी, माननीय विधायक आरा श्री नवाज आलम जी, माननीय विधान पार्षद श्री राधा संतेज जी, निश्चय के तहत भोजपुर जिले में 15,125 युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। सर, जिला प्रशासन प्रयत्नशील है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत इनरोलमेंट कंपलसरी कर दिया जाए ताकि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के पूर्व उन्हें बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा, भाषा ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर उपलब्ध हो। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत अब तक 21 पंचायतों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है तथा 14 पंचायत ODF घोषित होने के कगार पर हैं। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद भोजपुर जिला में हर घर नल का जल एवं नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। अब तक कुल 222 वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को राशि हस्तांतरित कर दी गई है। हर घर बिजली लगातार निश्चय अंतर्गत 23,874 घरों को कनेक्शन देकर लगभग 80% लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। इस जिले में अब तक 36 पंचायत सरकार भवन तैयार हो चुके हैं एवं 52 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराया जा चुका है। दावा पंचायत को डिजिटलाइज्ड मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा यह व्यवस्था की गई है कि लगातार दिन भर ऑडियो विजुअल एवं टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार के 7 निश्चयों, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह एवं शराबबंदी पर सरकार के संकल्पों, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण इत्यादि के योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी तरह अन्य पंचायत सरकार भवनों को भी विकसित करने की जिला प्रशासन की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू होने के पश्चात जिले में पुलिस एवं उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता में जीविका दीदियों, समाज के विभिन्न वर्गों एवं मीडिया बंधुओं का भी अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है। परिणामतः सामाजिक जीवन, विधि व्यवस्था एवं स्वास्थ्य में भी गुणात्मक सुधार देखा गया है। भोजपुर जिला के दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में भी
अग्रिम भूमिका निभाई है। यहाँ के कई सज्जनों एवं बुद्धिजीवियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के उनके संकल्प को सहयोग प्रदान किया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि जिला प्रशासन की टीम सरकार के निश्चयों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जिलावासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। चलनिया हो रहा बने कैसे बैठे बढ़िया हो रहा सोना चांदी बेच दिहनी बेटी एक कारण बेच दिहनी नथुनी बेच दे योजना है वो लगभग 1,95,94,00,000 रुपए लागत की योजना है। और आज इस विशेष आयोजन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच से सभी माननीय अतिथियों के समक्ष आप सबकी उपस्थिति मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। 23 योजनाएं जिनका उद्घाटन और 234 योजनाएं जिनका शिलान्यास। थाने में 5 घंटा में सड़क से पहुंचा जा सकता है तो आज देखने को मिल रहा है, बिजली को भी देख रहा है। जितना टाउन में है उससे ज्यादा देहात में भी बहुत लोग एसी लगाकर अपने को मैंने लगाकर सुख सुविधा में रह रहे हैं। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि रात दिन ही विकास में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों का भलाई हो, कैसे हम लोगों का माने न्याय के भी बात में है कि कैसे न्याय आम लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीब गुरुओं को न्याय कैसे मिले, रात दिन इसी में प्रयत्नशील है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को 2018 वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय बिहार जय भारत। काम किया था वैसी धरती पर आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां विकास की चर्चा चलती है तो मेरे जैसा एक अन्ना सा कार्यकर्ता जो आपके जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया, मैं हमेशा विकास के प्रति चाहे कोई पक्ष हो भी पक्ष हो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे कहीं भी हो, उसकी प्रशंसा करने के लिए मैं वहां जरूर उपस्थित होता हूं साथियों। इसलिए आज इस बैठक में, इस आम सभा में आपके तमाम योजनाओं की जो शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने उद्घाटन किया है, मुझे लगता है कि विकास के मामले में एक लकीर जो है खींचने का काम आपने किया है। इसलिए अपने इस तमाम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के धरती पर पावन धरतियों पर आपका अभिनंदन करते हुए आपसे एक ही विनती करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं का आपने उद्घाटन किया है, लेकिन बरसों पुरानी मांग जो है इस आरासर जमीन की है। आरासर जमीन में 3 मांग थी, हम लोग छात्र जीवन में 3 मांग किया करते थे कि आरासा सराम रेल लाइन का उद्घाटन करो। दूसरी मांग थी यूनिवर्सिटी की मांग, और तीसरी मांग है पूरे आम जन जन की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी कि यहाँ गोहारा को कमिश्नरी घोषित करें। ये मेरी मांग है, आप इस पर जरूर विचार करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आज की इस पावन धरती पर आपको एक विकास पुरुष के रूप में निश्चित रूप से अभिनंदन करते हुए अपने कुछ क्षेत्र की समस्याओं को आपको समय के अभाव के कारण मैं आपको समर्पित करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहते हुए कि मंजिल पर चलना है तो कांटे पर चलना सीखो, कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तारे कदम साथियों। मैं हमेशा ये बात कहता, कोई भी काम होता है कठिन जरूर होता, लेकिन कठिन काम पर चलने के लिए साहस और जो है संकल्प होना चाहिए। उस संकल्प के साथ
आप काम करें, निश्चित रूप से आपके पीछे आपका समर्थन के लिए तमाम जो विकास के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, कारवां बनता चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आए हुए तमाम अपने अभिभावक का, नौजवान साथियों का, प्रिंट मीडिया के साथियों का अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ आपने कोई मैं यह चाह आपने जो जो काम दिया है उसको बाखूबी जमीन पर उतारने के लिए जो कटिबद्ध है जिला पदाधिकारी, ऐसे जिला पदाधिकारी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री, इस मंच पर उपस्थित हमारे अज्ञाव के विधायक, आरा के एमएलसी साहब, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य हमारे विधायक अनुपस्थित तथा हमारे इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह को और इस जनता को हमारे तरफ से आज शुभकामना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस वीर कुंवर सिंह की धरती पर हमारे क्षेत्र में आने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने विकास का जो योजना लेकर आए ये बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि और भी हमारे क्षेत्र की समस्या है जो आपको हमने 30/16 को भी हमने अपने पत्र के माध्यम से भवनीय को मैंने अवगत कराया था। आज भी मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज के लिए प्योरो ब्लॉक में बराबर गांव में जमीन लिया गया है, उसके सारे जनता ने अपनी अनापत्ति पत्र भी दे दिया है। मैं चाहूंगा कि वहीं कॉलेज या बराव में प्योरो प्रखंड के बराव गांव में खोला जाए और उस कॉलेज का नाम रहे वीर कुंवर सिंह। दूसरी बात कि हमारा LH-30 आप श्रीमान खुद देखते हैं कि आरा मोहनिया से आरा 02 से मोहनिया तक इस सड़क की जो स्थिति है इतनी गंभीर है कि बड़े वाहन नहीं चल पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध मैंने पूर्व में किया था, एक पत्र भी इनके द्वारा दिया गया था कि ये मामला जो अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन शायद उसका कुछ निराकरण होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इस सड़क को अति आवश्यक बनाया जाए क्योंकि ये आपका बिहार का NH-30 मुख्य मार्ग है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ सिंचाई का नलकूप जो है सो बंद पड़ा हुआ है और हमारे सोन नहर के कटियाँ बिहिया और ज्ञानपुर डैम के टेल लाइन पर हमारे पहले से बोरिंग किया गया है, उस बोरिंग के अभी तक सफाई नहीं हुआ, बोरिंग बंद है। इसके लिए मैं श्रीमान को पहले भी ध्यान आकृष्ट किया था। वीर कुंवर सिंह के मैंने पहले भी कहा था कि स्थली को जो है सो पर्यटन स्थली घोषित किया जाए और हमारे वीर कुंवर सिंह का धरोहर का जो पटना संग्रहालय में रखा गया है उसके जगदीशपुर में लौटाया जाए। पूर्व में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था। भोजपुर जिला के हमारे जगदीशपुर कंस्टिट्यूएंसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए एक वर्ष पहले पूर्व में डीएम के द्वारा अनुशंसा किया गया था जो श्रीमान ने आपने 30/16 को आश्वासन दिया था कि इसको अधिसूचित कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक श्रीमान के द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया। हमारे अनुमंडल में नए अनुमंडल बन गया, न्यायपालिका का भी काम शुरू है लेकिन न्यायपालिका के लिए भवन नहीं है, जो न्यायाधीश रहते हैं उसके लिए भी भवन नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उसको अतिशीघ्र बनवाने का काम कराया जाए तथा माननीय उप न्यायालय द्वारा जो शिक्षा का काम के कार्य के समान वेतन देने का है वह आपसे मैं अनुरोध करूंगा पूरे बिहार के हित के लिए उसको लागू किया जाए। और जो भी समस्या है मैं आपके समक्ष में लिख के अपने विधानसभा को दे रहा हूँ, जिसको बारीकी से देख करके आपने वर्ष के लिए दिवस के लिए दो दिन दिवस घोषित किया है जिसका पत्र आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं
यही चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जगदीशपुर में आपने आया, इसके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से, हमारी जनता के तरफ से वीरपुर जी की धरती पर आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं यही कहकर अपने वाणी के समाप्त करता हूँ। इस जिले में पधारे बिहार सरकार के और हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित जगदीशपुर के विधायक श्री मिसुसी रोहिया जी, आरा का विधायक अनवर आलम जी और MLC माननीय विधान पार्षद श्री राधाचरण सेठ जी, मंच पर उपस्थित इस भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री विनोद सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, इस भोजपुर के वीर नौजवानगण, हमारे सभी कार्यकर्तागण, सभी माँ बहने, आप सभी को जगदीशपुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, कहने की बात नहीं, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में गद्दी संभाला तो बिहार की क्या दुर्दशा थी, कहने की जरूरत नहीं। हमारा भोजपुर जिला खूनी संघर्षों में व्याप्त, यहाँ पर खूनी संघर्ष था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाला, आते ही लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया। यहाँ पर रोड की जो थी, माने आरा से पीरो जाने में 2 घंटा लगता था। आज देखिए कि सभी जगह गांव घर में आपके रोड की क्या दशा है, इतना सुंदर रोड है कि कहने की जरूरत नहीं है, इस सब में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के मान सम्मान में प्रयत्नशील रहते हैं, बिहार की कैसे विकास हो इसे सचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं। उन्होंने जब हम लोग महागठबंधन में थे तो उन्होंने सब नीचे को धरती पर उतारा, और आज हम NDA में हैं, इसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने सात नीचे को नहीं छोड़ा। सात नीचे को क्रियान्वयन करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात जाड़ा में अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कैसे विकास होगा। मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि जो शहरों में जो सुविधाएं हैं वो गांवों में हो, देहातों में हो। लोग ये ना समझे अपने आप को कि शहर और देहात में कितना अंतर है, उनको पटना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है। और साथ नीचे, और दूसरी बात, सबसे ज्यादा शराबबंदी, लोग कहता था लोग 4,000 करोड़ का जो राजस्व की नुकसान हो रही है, क्या ये संभव है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा शराबबंदी लागू किया कि बिहार के हर गरीब, हर गुरबे, हर घर में जो झगड़ा होता था, जो फसाद होता था, जो दारू पीकर इधर उधर अपने परिवार में समय नहीं देते थे, उन्होंने अब जाकर हद की ऐसे कि उसको बैंड लगा और अपने परिवार में निश्चिंत होकर अपना कार्य कर रहे हैं, और जो कमाते हैं अपने परिवार में शिक्षा और साग सब्जी में लगाते हैं। साथियों, अब हमारे मुख्यमंत्री जी सोशल विकास के भी तरफ पर ध्यान देते हैं, बिहार के कैसे विकास हो, इसके साथ साथ समाजीकरण, जैसे कि बाल विवाह, यानी कि हमारे जो भी पूर्वज करते थे छोटे उम्र में शादी कर देते थे, हमारे साथ शादी के फलस्वरूप बौनापन आ रहा है हमारे समाज में, उनको रोकने के लिए बाल विवाह पर प्रतिबंध हमारे मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, और बाल विवाह तुरंत बंद होना चाहिए। और दूसरा, दहेज प्रथा पर सब पर आप लोग साथ दें और संकल्प लें कि कोई दहेज न लेंगे और न दहेज देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया, आप देख रहे हैं कि आधा से ज्यादा महिलाएं हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ हर क्षेत्र में पुलिस बल में महिलाओं को उन्होंने आरक्षित किया, नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण देकर सम्मानीकरण का उन्होंने प्रावधान किया कि अपने आप को महिलाएं कोई अपने आप को अबला न समझे, अपने
अपने आप को हीन न समझे। और दूसरी बात, दलित महादलित के विकास के लिए छात्रों को उन्होंने जो सुविधा मुहैया कराया उनके लिए हमारा समाज, हमारा युवा वर्ग उनके लिए आभारी है। और अपना समय माननीय मुख्यमंत्री को देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय जदयू। जगदीशपुर प्रखंड के धावा पंचायत के में आयोजित है बिहार के विकास के बढ़ते कदम की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित है बिहार सरकार के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और मुल्क के प्रखर नेता बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मंच पर बैठे हुए, आरा के माननीय विधायक श्री नवाज आलम साहब, विधान पार्षद श्री राधा चरण सेठ जी, विधायक श्री राम विश्वन सिंह जी, विधायक श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी, इस मंच पर बिहार सरकार के पूर्व के मंत्री आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई श्री मिथिलेश जी ने मुझे भोजपुर जिला, जो सबसे बड़ा जिला है, और बगल में अरवल जिला, दोनों जिला का प्रभारी के रूप में मुझे जो दायित्व दिया है उसका हम निर्वहन करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आरा जिला के प्रभारी मंत्री होने की हैसियत से आरा जिला के तमाम जनता और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, युवा, किसान, मजदूर भाइयों बहनों के तरफ से आदरणीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। भाइयों बहनों, जो बिहार का विकास बिहार के अंदर पिछले दिनों जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर नहीं था बिहार का, ये बिहार पिछड़ता जा रहा था। बिहार के अंदर में विकास के नाम पर न जाने किस किस प्रकार की खेती हुआ कर रही थी और बिहार की जनता अजीज हो गया था। बिहार की जनता चाह रही थी जिस बिहार के अंदर में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग जो आरा की धरती पर पैदा लिया और गरीब दलितों का मसीहा जगजीवन राम का जन्म इस आरा भूमि पर जन्म हुआ था, जो आरा जिला हमारा पिछड़ता जा रहा था। भाइयों बहनों, इस बिहार के 11.5 करोड़ जनता, 11.5 करोड़ जनता ये चाह रही थी कि बिहार का विकास किस प्रकार से चौमुखी विकास हो। न जाने कितने वर्षों तक टकटकी निगाह लगा कर रखा था, पूरे 50 सालों तक 15 अगस्त 1947 के बाद इस मुल्क के अंदर, देश के अंदर में 1952 ईस्वी में लोकतंत्र का पहला चुनाव हुआ और चुनाव के रिजल्ट के उपरांत में बिहार का विकास कतई संभव नहीं हो सका था। लेकिन बिहार का जब भागदौड़ 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी संभाले और बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आदरणीय सुशील कुमार मोदी को गद्दी पर बैठाने का काम किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास के तरफ चढ़ता जा रहा है।
बीच में थोड़ा सा ग्रह लगा था, बड़े भाई उसकी चर्चा करेंगे। वह ग्रह से मुक्ति दिलाने के लिए फिर आ गए हैं इस बिहार के अंदर में, और कुछ लोग चाहता है कि बिहार को बदनाम करना चाहता है। आदरणीय नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के कोई माई का लाल बिहार के अंदर, देश के अंदर में गलत काम करा नहीं सकता है, इस बात को मैं ऐलान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारत को और इस देश को विश्व के मानचित्र पर एक मजबूत भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिहार को चौमुखी विकास करके आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मानचित्र पर बिहार को सबसे मजबूत राज्य बनाने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, अब कुछ लोगों को छाती में दर्द होता है तो छाती में दर्द हो उसके लिए हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर भोजपुर जिला का प्रभारी मंत्री के रूप में अपने छोटा भाई को आरा जिला के अंदर में उन्होंने भेजा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस हजारों जनता के बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति जो आरा जिला का विकास के लिए, मैं उस पर खड़े उतर कर दिखाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने के लिए मैं आया हूँ। भाइयों बहनों, अभी हम जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा चाह रहा था, एंकर बोल रही थी और उन्होंने पुस्तक में सिर्फ शिलान्यास और सिर्फ उद्घाटन की चर्चा है। न जाने करने के बाद ही मैं शादी करूंगा, और आपको मालूम है कि क्या चर्चा करने वाले हैं हम। शादी में हमने एक रुपया दहेज नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर युवा साथी होनहार होनहार बालक से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना है कि दहेज मुक्त बिहार और दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए, इस पर आपको हम हृदय से शुभकामना देने के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार को सबल और धारदार मजबूत बनाने के लिए शराबबंदी की घोषणा की। बिहार विधानसभा के अंदर में जिस समय शराबबंदी की चर्चा की जा रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी का शपथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय विधान पार्षद और माननीय विधायकों का संकल्प दिला रहे थे, उस समय दारू पीने वाले भी दो चार मंत्री हाथ उठाने से हिचकिचा रहे थे, कभी हाथ उठाते थे कभी गिराते थे, और हम लोगों ने दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन किया था कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे। आज जीवन में हम लोग तो मुंह के बूंद पर शराब रखा नहीं, यही इतना बढ़िया काम गाय का दूध और भैंस का दूध मजबूती के साथ पीना है और उसी का दही खाना है। हम सीमांचल एरिया में है, बिहार मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र और देश मजबूत होगा। भाइयों बहनों, हम दहेज नहीं लेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। ये संकल्प इस विकास के समीक्षात्मक बैठक में हम सभी को युवाओं को लेना पड़ेगा। क्या उम्मीद और भरोसा हम लोग रखे आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भरोसा उम्मीद रखे तो एक बार हाथ तो उठाइए बिहार नौजवान, हमारे मुल्क के नौजवान साथियों, बोलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में जो संकल्प लेकर ये चल रहे हैं, उस संकल्प के समर्थन में आरा जिला सबसे आगे रहेगा। उन्होंने कहा हमसे कि 1974 में विनोद जी आप छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे, लेकिन मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी हमें कान में बता रहे थे कि 1974 के अंदर जो बिहार के अंदर में जो एक ऐलान चला था लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, वो छात्र आंदोलन, उस समय काफी सक्रिय थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उन्होंने कहा था कि आरा के अंदर में इतना क्रांतिकारी युवा साथी लग रहा था कि एक नया परिवर्तन चाह रहा है, और उस समय से हम जानते हैं विनोद जी कि बहुत अच्छा हमारा आरा जिला रहा है। आइए भाइयों बहनों, हम बिहार को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए, भारत और देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख और ईसाई, सब लोग आपस में चट्टानी ताकत को जोड़ता हुआ जो आज विकास के समीक्षात्मक बैठक में हम लोग शामिल हुए हैं। भाइयों बहनों, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं
जो पिछले दिनों विकास का काम अवरुद्ध हो गया था, और आने वाले 2.5 सालों के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जबरदस्त विकास होगा, ये बात हम आपको कहने के लिए आए हैं। चाहे जितना भी छाती पीट कर कोई रोने और पीटने का काम करे, कुछ होने वाला नहीं है। और जो होगा, जो बिहार की जनता चाहेगी, आरा की जनता चाहेगी, भोजपुर की जनता चाहेगी। एक दोहा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, और वो दोहा है जनता के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी को जोड़ता हुआ ये दोहा। उल्फत का मतलब आप लोग जानते हैं ना, उल्फत का मतलब होता है स्नेह, मोहब्बत और प्यार। उल्फत न सही, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रभारी मंत्री बोल रहा है। उल्फत न सही, नफरत ही सही। उल्फत का मतलब होता है प्यार और मोहब्बत, और नफरत का मतलब होता है कि मोबाइल में डेली नफरत होता है ना, वो आप लोग बेहतर तरीका से जानते हैं भाइयों बहनों। उल्फत न सही, नफरत ही सही, खासकर आरा जिला के लिए। उल्फत न सही, नफरत ही सही, यह हम भी गवारा कर लेंगे, मैं नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी। उल्फत न सही, नफरत ही सही, यह हम भी गवारा कर लेंगे, एक याद आपकी दिल में लेकर जीने का सहारा कर लेंगे। आइए भाइयों बहनों, हमारे साथ नारा बुलंद कीजिएगा, पूरा हाथ उठाकर, जो बिहार का सच्चा सपूत होगा, दोनों हाथ उठाकर, हमारा बिहार जिंदाबाद, हमारा बिहार जिंदाबाद, हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद। एक चीज और बोलेंगे, नीतीश कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलिएगा ना आप लोग, पक्का। देखते हैं कौन कौन आदमी खूबसूरती साधे हुए हैं। नीतीश कुमार संघर्ष करो। अब बीच में टोपी वाले की आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? नहीं, उनके लिए भी है। नीतीश कुमार संघर्ष करो, नीतीश कुमार संघर्ष करो, भारत माता की, बिहार जिंदाबाद, वंदे मातरम। बहुत ही बात, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, और मुझे खुशी है कि आज मुझे दावा गांव में आने का मौका मिला है, और यहां आने के बाद जो हमने पंचायत सरकार भवन का जो परिसर है उसका भ्रमण किया, उसमें पैक्स का भी कार्यालय है, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हमने देखा, और जो पंचायत सरकार भवन के पास जो दावा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा लिखी हुई है उसको हमने वहां देखा, और उसके बाद यहां आने के बाद यहां की माननीय मुखिया सुषुम लता जी ने यह एक कागज मुझको दिया, और इसके साथ भी एक और कागज दिया जिसमें दावा गांव का प्राचीन इतिहास उसकी चर्चा की। इसको पढ़कर, इसको जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो समीक्षा कार्यों की विकास यात्रा के सिलसिले में जो हम हर जिले के किसी एक गांव में जाते हैं, सर जमीन पर उसके क्रियान्वयन को देखते हैं, कहीं कोई कमी है, कोई कठिनाई है, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उसको भी जानने और समझने का, और जो हमारे साथ निश्चय के कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन में कहां कहीं कोई और कठिनाई न आए, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो उसी सिलसिले में
आज दावा गांव में आने का मौका मिला, मुझे बेहद खुशी हो रही है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है कि जो लोग 1311 ईस्वी में उज्जैन से आए और उसके बाद उन्हीं से उसी वंश में बाबू वीर कुंवर सिंह, तो इस प्रकार से जो आज जगदीशपुर का और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, तो बाबू कुंवर सिंह की धरती, मैं इस धरती को नमन करता हूं और जो कुछ भी बाबू कुंवर सिंह जी का, वीर कुंवर सिंह जी का योगदान देश की आजादी की लड़ाई में, हम सब लोगों की यह मान्यता कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने अपना जान न्योछावर किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जो 1857 में उनकी भूमिका और 1858 के 23 अप्रैल को जो विजयी हुए थे और उसके बाद वो इस धरती पर रह नहीं सके, चल बसे, आज 160वां साल हो रहा और हम लोगों ने महसूस किया कि जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका है, जो उनका योगदान है देश की आजादी की लड़ाई में, उसको वह महत्व पूरे देश में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यह हम सब बिहारवासियों का कर्तव्य है कि हम उनके किए गए काम को इतना, उसकी इतनी चर्चा करें और इस बात को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करें। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि इस बार 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हम विजय दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को, उसके 160वें साल में हम उसको 3 दिन तक विशेष तौर पर राजकीय समारोह के रूप में मनाएंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो योगदान है उसकी चर्चा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आज मुझे तो यहां आकर के भाई बेहद प्रसन्नता हो रही है इस ऐतिहासिक भूमि पर, और यहां और आज यहां आने के बाद जो मैं जिला प्रशासन को और संबद्ध विभागों को भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने कुल 257 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करवाया है जिसकी कुल लागत 222 करोड़ रुपए की है और इसमें बहुत ही प्रमुख चीजों का आज शिलान्यास भी हुआ है। अभियंत्रण महाविद्यालय का, महिला आईआईटी का, आईआईटी का, और जो 7 निश्चय से संबंधित जो हमारे काम, अब इसमें 4 निश्चय, इसके अंतर्गत हर घर में नल का जल हमें पहुंचाना, हर घर में शौचालय का निर्माण, हर गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण और हर घर तक बिजली का कनेक्शन, और बिजली का कनेक्शन तो इस साल के अंत तक ही पूरे बिहार में हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दे, 2017 के दिसंबर तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी गई, उसके कुछ टोले हैं वहां बिजली को अप्रैल महीने तक पहुंचा देने का लक्ष्य है, और भोजपुर जिले में जो मुझे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया है कि भोजपुर जिले का वो जो भी टोला बचा हुआ है विद्युतीकरण के, उस टोले का विद्युतीकरण इसी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है अप्रैल तक, लेकिन यहां इसी महीने के अंत तक हर टोले का भी हो जाएगा, गांव तक तो बिजली पहुंचा दी गई, और इस साल के अंत तक हर इच्छुक परिवार तक, परिवार को उनके घर तक बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। शौचालय का निर्माण बहुत आवश्यक, और हम लोग
अपने पूरे बिहार को खुले से शौच से खुले में शौच से मुक्त करना चाहते हैं। दो कारण, आज जो जितनी बीमारियां होती है उन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए, और हर इंसान को पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए। पीने का पानी स्वच्छ नहीं रहने के कारण और खुले में शौच के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज जितनी बीमारियां होती हैं अगर खुले में शौच से मुक्ति हो जाए और हर घर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए यह हम सब लोगों के निश्चय का अंग है, उसमें हम लोग सब लगे हुए हैं। और सड़क तो बन ही रहा, अब टोला गांव तक सड़क पहुंचा दिया गया, बचा है उसमें भी काम चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव थे, गांव में तो सड़क पहुंच गई, उनके टोले तक सड़क नहीं पहुंची, वह भी हमारे निश्चय के अंतर्गत, टोला निश्चय के अंतर्गत वैसे टोलों तक भी पक्की सड़क बना देंगे हम लोग। और उसके अलावे हर गांव में पक्की सड़क, पक्की गली और नाली का निर्माण हम सब लोगों को करना है। और यही सब काम है, पिछले साल से शुरू हुआ उसको देखने लगे और इस साल भी उसको आगे देख रहे। और इसके अलावे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ से हम लोगों ने काम किया है। 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, आज यहां पर देख रहे हैं कि मुखिया जी भी महिला, वार्ड मेंबर भी महिला। तो ये जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहल की गई, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर रहा, इसके लिए लड़कियों के लिए पोशाक योजना, फिर आगे पढ़े मैट्रिक पास करे 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना, फिर गांव देहात में आम परिवारों की महिलाएं सशक्त हों, उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा हो, इसके लिए स्वयं सहायता समूह का गठन। और आज हम जब देखते हैं स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ती हैं, जीविका समूह उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया, ये जीविका की जो दीदियां हैं वो कितना उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही। और यही नारी सशक्तिकरण का ठोस आधार है। 8 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हो चुका है बिहार, 10 लाख का लक्ष्य है वह भी गठित हो जाएगा। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण। इसके अलावे 7 निश्चय में हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार की हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा और इसको लागू भी कर दिया गया फरवरी 2016 से। तो महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं के लिए, भाई गरीबी के कारण बहुत सारे हमारे युवा छात्र हो या छात्रा 12वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ने में सहायता मिले, उनका मार्ग पढ़ने का आगे प्रशस्त हो, इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की बैंक के माध्यम से। अब बैंक वाले का अपना तौर तरीका है, इतना धीमे काम होता है, इतना तरह का हम लोगों के साथ राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ, वो जो भी पैसा देंगे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसका पूरा गारंटी राज्य सरकार ने दे दिया, उसके सूद की गारंटी दे दी। लेकिन तब भी 10 तरह का नियम बताते रहता है युवाओं को, जो चाहते हैं इस तरह से शिक्षा के लिए क्रेडिट लेना उनको कष्ट होता। तो अब तो हम लोग अगले साल से, अब ये जो स्कीम है छात्र छात्राओं की सहायता के लिए, अब उसको राज्य सरकार का अपना एक वित्त निगम बनाएंगे और उसके माध्यम से इच्छुक छात्र छात्राओं को हम लोग 4 लाख रुपए तक की सहायता कराएंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, पढ़े आगे पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं 12वीं कक्षा के बाद जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं यहां, उनकी अनुपात, उनका अनुपात कम है 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में जाने, मात्र 13.9। इसको बढ़ाकर हम 30% से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए उस पर जोर है। जो युवा रोजगार की तलाश में घूमते हैं उनको चाहिए, यहां जाना है वहां जाना है, परिवार के पास इतना धन नहीं है,
कि हर बार उसको पैसा दे, मदद करे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 2 साल तक ऐसे हर युवा को स्वयं सहायता भत्ता देंगे 1000 रुपया महीने का, और इसके बाद आज के युग में रोजगार उनको ठीक से मिल सके इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें लोग कंप्यूटर पर काम करना सीख लेते हैं, भाषा का ज्ञान हो जाता है, हिंदी के अलावे कुछ अंग्रेजी भी बोलना सीख लेते हैं, व्यवहार कौशल किस तरह से व्यवहार करना चाहिए यह भी उनको सिखाया जाता है। 240 घंटे का कोर्स 3 महीने के अंदर हर प्रखंड में इसका इंतजाम किया गया है, लोग सीख रहे हैं। अब बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसका, युवाओं ने लाभ उठाया, और इसके अलावे उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, हर सब डिवीजन में ANM स्कूल, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग होम, 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए भी काम हो रहा है, भोजपुर जिले की जमीन की उपलब्धता उस पर सब चल रहा है, और वह भी जल्दी से जल्दी होगा। हम लोग तो चाहते हैं तेजी से हो, राज्य सरकार की तरफ से इन सब चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है, उसको देख रहे हैं हम लोग, ताकि जल्दी से जल्दी जमीन आदि का प्रबंध हो जाए, काम शुरू हो जाए, ताकि हमारे युवाओं को, छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हर प्रकार के संस्थान, उनको बाहर भटकना नहीं पड़े। तो ये सब काम किया जा रहा है, और इन सब कामों को तो देख ही रहे। इसके अलावा कृषि रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप आ गया, किसान की आमदनी बढ़े, और किसान की परिभाषा है सिर्फ खेत जिसके पास है वह किसान नहीं है, खेत में जो भी काम करता है वह सब किसान, उसकी आमदनी बढ़े, हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, इतना हम बिहार में कृषि का विकास करना चाहते हैं, और इन सब चीजों के लिए काम चल रहा, ये सब काम चलता रहेगा। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का काम चलता रहेगा, और इस निश्चय के योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, ताकि हर व्यक्ति को जो बुनियादी सुविधा चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। यह सब काम तो चलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं हो, लेकिन इसके साथ साथ विकास के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों का खात्मा होना भी बहुत जरूरी है, और इसके लोगों के सुझाव पर, खासकर महिलाओं के की मांग पर हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया 1 अप्रैल 2016 से। अब शराबबंदी लागू करने का कितना अच्छा असर पड़ा, जो लोग अपनी कमाई का पैसा शराब में गंवा देते थे, परिवार का ध्यान नहीं रखते थे, झगड़ा करते थे, अब वो परिवार का पूरा ख्याल रख रहे हैं, अब घर में झगड़ा नहीं हो रहा, अब एक शांति का वातावरण है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ लोग तो घचपच गड़बड़ करने वाला रहेगा ही ना, ये कुदरत की देन है, हर आदमी बिल्कुल ठीक कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो बाएं दाएं करेगा ही, ऐसा बाएं दाएं करने वाला है, ऐसा धंधेबाज आपको कहीं मिलेगा, और कुछ सरकारी तंत्र का भी मदद लेकर के घुस घास देके मदद ले लेता है, इधर उधर धंधा करता है, उस चीजों पर भी पूरी नजर रखनी। तो हम सबसे कहेंगे कि नजर रखिए, और अब हर गांव में बिजली पहुंचा दिए, बिजली के खंभा पर नंबर लिखा रहेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, कोई गड़बड़ करते हुए दिख जाए तो, और प्रशासनिक तंत्र को पुलिस में सुदृढ़ किया गया है, एक महानिरीक्षक मद्य निषेध का तंत्र विकसित किया गया है, मोबाइल की तो कमी है नहीं, मोबाइल से तुरंत फोन कर दीजिए, आपका नाम नहीं घोषित किया जाएगा, चिंता मत करिएगा, आपका नाम गोपनीय ही रहेगा, लेकिन कोई गड़बड़ करे तो खबर दीजिए, उसके घंटा डेढ़ घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार का तंत्र आधुनिक तकनीक के सहारे, और हर बात को रिकॉर्ड पर रखेंगे, और आपको भी बता दिया जाएगा, जो कंप्लेन करने वाले होंगे उनको भी बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, और उससे भी पूछा जाएगा कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आपको क्या लगता है। तो इस तरह का भी काम करेंगे, लेकिन यह सब काम महीना डेढ़ महीना में यह तंत्र विकसित कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद
सबसे बड़ी बात है जागृति। आप लोग जब तक जागरूक नहीं रहिएगा तो सिर्फ सरकारी तंत्र के सहारे समाज सुधार के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब उसके लिए सबको कहना पड़ेगा, मैं तो महिलाओं को कहूंगा, लोगों को समझाइए, अब तो छोड़ दिए हैं, इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप है, लेकिन दो नंबरी कारोबारी का दारू लोग पीते हैं। अभी बहुत दूर की तो बात नहीं है, रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से 4 लोग मर गए, 3 लोग वैशाली जिले में मरे। सांप को जो इस तरह का आपको शक लगे कि वैसा पीता है, उसको समझाइए कि देखो ये सब धंधेबाज या दारूबाज, दारू के धंधेबाजों से दारू लोगे, हो सकता है जहरीला शराब हो, मौत के शिकार हो जाओ। सबको बताइए, समझाइए, और यह भी समझाइए कि ऐसा ना हो कि शराब छोड़ने के बाद कोई दूसरा मादक द्रव्य शुरू कर दीजिए सेवन। यह सब निरंतर करना पड़ेगा, यह ऐसी चीज नहीं है कि एक बार किया अब दूसरा साल चल रहा है। साहब अब 2 साल पूरा होने जा रहा है, मात्र 3 महीना बचा है, यह मामूली बात नहीं है। हम तो प्रतिबद्ध हैं और मेरी प्रतिबद्धता इन चीजों के प्रति है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई बिहार में शराबबंदी को लागू करके, और इसके जो अच्छे अंजाम दिख रहे हैं, इसलिए सरकारी तंत्र को तो निरंतर सक्रिय रहना ही है, वह रहेगा, लेकिन आप सब लोगों को इसमें सजग रहना होगा। आप देखते हैं जगह जगह सड़क पर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां आपकी सावधानी और आपकी सजगता कमेगी, पता नहीं कोई इधर उधर करने लगे। सबको मालूम है तरह तरह के लोग होते हैं जिसका जिसकी हमने चर्चा की, तो इससे सबको सजग रहना। और देखिए कैसी चीज है, शराब बंदी के पक्ष में शराब के खिलाफ सभी धर्म मजहब के लोग हैं। ये तो शराब बंदी एक ऐसी चीज है जो हर धर्म को मानने वाले लोग इसको मानते हैं। अब जब उसको मानते हैं, धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा है और लोग मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म को, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं, तो वैसी स्थिति में ये सामाजिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का और उसकी एकता का इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है। मालूम है आज देश के दूसरे प्रांतों से लोग अध्ययन करने आ रहे हैं। अभी हाल में कर्नाटक सरकार के द्वारा एक टीम भेजी गई, वो अध्ययन करके गया। हम लोगों ने बताया कि चले जाइए किसी भी गांव में, एक बड़ी टीम और एक एक जगह जाकर लोग देख रहे हैं कहां क्या हो रहा है। अब देश की नहीं विदेश से टीम आ रही है, सब लोग अचरज में हैं कि बिहार इतना बड़ा सूबा, 12 करोड़ के लगभग की आबादी वाला सूबा और यहां शराबबंदी लागू हो गई, तो सब अध्ययन करने आ रहे हैं। तो अगर आप सजग रहिएगा और पूरी मजबूती से लगे रहिएगा तो बिहार का नाम बहुत रोशन होगा, लोग इसका अनुकरण करेंगे। इसलिए हमारी अपील होगी आप सबसे सजग रहें। और जैसे शराबबंदी के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई, उसी तरह से हम तो महीने में 3 सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम करते हैं। उसमें एक महिला आई और उस महिला ने बताया कि भाई शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, लेकिन दहेज प्रथा भी बहुत बुरी चीज है, इसके खिलाफ भी अभियान चलना चाहिए। हमने कहा ये महिला तो ठीक कह रही है, फिर पूरी तैयारी की और दहेज प्रथा ही नहीं बाल विवाह, क्योंकि दोनों का संबंध है। अब कम उम्र में बेटी की शादी कर देते हैं, लोगों को लगता है कि बड़ा दहेज देना पड़ेगा, तो ये जो बाल विवाह, यह जो बाल विवाह है और दहेज प्रथा है, दोनों का एक दूसरे से लिंक है, संबंध है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाएंगे। आप बताइए बाल विवाह का कितना नुकसान है, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, प्रसव के दौरान ऐसी महिलाएं बड़ी संख्या में मौत की शिकार, और अगर बच्चे पैदा होते वो तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते, कोई मंद बुद्धि का शिकार होता है, कोई बौनेपन का शिकार होता है। इसलिए बाल विवाह से बचना चाहिए।
कानून तो बना हुआ, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती है, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होता। उसी तरह से दहेज प्रथा है, दहेज लेना गुनाह है, कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी दहेज का प्रचलन है। पहले तो संपन्न लोगों के बीच में दहेज प्रथा थी, आज तो आम लोगों में दहेज प्रथा फैल गई, ये कितनी बुरी चीज। और आपको मालूम है अपराध के आंकड़े जो देश भर के हैं, और हर प्रांत के हिसाब से जो केंद्र सरकार के द्वारा तारीख जारी किया जाता है, 1 लाख की आबादी पर औसतन कितना अपराध होता है, उसमें बिहार का नंबर 22वें नंबर पर, बहुत पीछे। लेकिन दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में हमारा प्रांत बहुत बुरी स्थिति में, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर, कितनी शर्मनाक बात। तो दहेज प्रथा के चलते इस तरह की स्थिति, इससे छुटकारा पाना चाहिए। और हम तो कहेंगे, यहां आप सब लोग बैठे हुए, दहेज प्रथा का उन्मूलन करना तो आपके हाथ में, यह बहुत जल्दी हो सकता, लेकिन आपको संकल्प लेना होगा। जिस दिन आप मन बना लीजिएगा कि चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे हमारा कोई गोतिया हो, चाहे हमारा कोई दोस्त परिवार हो, अगर दहेज लेता है तो उस शादी में नहीं जाएंगे। यह मन अगर जिस दिन बना लीजिएगा, दहेज लेना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि दहेज लेने वाले को ये मन में भय पैदा होगा कि अगर हम दहेज लेंगे, मेरे घर की शादी में कोई आएगा नहीं, हम तो बदनाम हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में लोग दहेज लेना बंद करेंगे, ये आपके हाथ में। बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100 साल पूरा हुआ है, हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इतना बड़ा निर्लोभ का अत्याचार होता, लेकिन कैसे खत्म हुआ? बापू ने सुनना, गांधी जी ने सुनना शुरू किया, किसानों की शिकायत वो दर्ज कराने लगे, जगह जगह जा रहे थे, किसान अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे, उनके साथ तो बड़े बड़े वकील थे, बैठकर सब नोट कर रहे थे। इसके बाद जो माहौल बन गया कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उस कानून को बदलना पड़ा, ये जो निल्हों का अत्याचार था उससे छुटकारा मिला किसान ने। उसी तरह से आप मन तो बना लीजिए कि जिस परिवार में, जिस शादी में दहेज दिया जाएगा, उसमें हम शामिल नहीं होंगे, इतना ही संकल्प लीजिएगा, दहेज प्रथा से छुटकारा मिल जाएगा। और दहेज प्रथा से छुटकारा मिलेगा, बाल विवाह का भी खात्मा होगा। ये दो काम करो, और इसके लिए तो आपको अपना संकल्प प्रकट भी करना पड़ेगा, सार्वजनिक तौर पर प्रकट करना पड़ेगा। और जैसे पिछले साल हम लोगों ने शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए मानव श्रृंखला बनाई 21 जनवरी को, करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए, आप लोग भी शामिल हुए, मैं आप सबको बधाई देता हूं। तो जब दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभियान चलाएंगे, तो बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हम लोगों ने की पिछले साल, और जिस दिन शुरुआत की उसी दिन हमने ऐलान किया कि जिस प्रकार से शराबबंदी के हक में मानव श्रृंखला बनी, उसी तरह से 2018 के 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बननी चाहिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए। और इतवार का दिन आप सोच लीजिए, 13 है आज शनिवार, कल है 14 इतवार, मकर संक्रांति इसके 1 सप्ताह के बाद, अगला रविवार को, अब बहुत कम दिन है। अगर 21 जनवरी को रविवार के दिन आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ श्रृंखला बनाएंगे, पूरे बिहार में ऐसी श्रृंखला बनेगी, अद्भुत श्रृंखला बनेगी, वह इस भावना को प्रकट कर देगा कि अब बिहार के लोग बाल विवाह और दहेज प्रथा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ। अब तो इसे आपके हाथ में, तो सब शामिल होइएगा कि नहीं, सो बताइए। शामिल होइएगा तो हाथ उठा करके बताइए, 21 जनवरी को बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो मानव श्रृंखला बनेगी उसमें शामिल होइएगा, हाथ उठाइए।
बहुत धन्यवाद। हाथ उठा करके आप लोगों ने अपना संकल्प प्रकट किया और जरा ऊपर देखिए, अरे ऊपर लेकिन देखिए अभी सूर्य का दर्शन हो रहा, तब सूर्य भगवान के सामने हाथ उठा करके संकल्प ले लिया है। याद रखिएगा हर सूरत हाल में 21 जनवरी को एक दूसरे का बांह पकड़कर मानव श्रृंखला बनाइए और इसका जो संदेश जाएगा वो पूरे समाज को इस कुरीति से छुटकारा दिलाएगा और यह संदेश बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बिहार के बाहर भी जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी आप सबने संकल्प लिया, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरा लक्ष्य है जैसा कि मैंने पहले कहा है, विकास का काम न्याय के साथ विकास का काम जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाकर उससे छुटकारा पाएंगे और तभी विकास का लाभ हर जन तक पहुंचेगा। इसलिए दोनों को मिलाकर चलना और आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना। कोई कुछ भी चाहे, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत लोग झगड़ा लगाने में रहेंगे, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मिलकर चलिए, प्रेम और शांति और सद्भावना के साथ हम लोग मिलकर चलेंगे तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है बिहार का, हम फिर से गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं, इस धरती का नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार को संबोधित किया आपने, आशीर्वाद दिया और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री शशांक शुभंकर, उप विकास आयुक्त भोजपुर। और आभार है माननीय मुख्यमंत्री बिहार की 50 कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में भोजपुर परिदर्शन के दौरान आयोजित इस सभा में उपस्थित सभी ग्रामीण जनता एवं दावा पंचायत की जनता का मैं जिला प्रशासन की ओर से विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण एवं विधायकगण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्य का प्रकट करता हूँ। दावा पंचायत की मुखिया श्रीमती कुसुम लजला जी का, जिन्होंने भरपूर सहयोग जिला प्रशासन को दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी पुलिस पदाधिकारियों का, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफलीभूत हो सका। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी पदाधिकारियों और कर्मियों का, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि राज्य की सभी योजनाएं धरातल को उतारने में जिला प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतेगा। मैं एक बार पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासी सभी माननीय अतिथियों का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की समीक्षा